सर्दियों की सब्जियों के बीज कब लगाते हैं, कब लगाना शुरू करते हैं, तो आज की वीडियो हमारी यही है कि विंटर सीज़न की सीडलियाँ हम कब शुरू करेंगे। तो अभी आप ये जो सामने छत देख रहे हैं, ये सारी की सारी मेरा टेरेस गार्डन है, काफ़ी ज़्यादा नेचर के करीब गया हुआ है, मतलब जंगल सा बना हुआ है। तो इसका थोड़ा सा मैं बता दूँ और जल्दी से विंटर सीज़न की सब्ज़ियों के बारे में बताता हूँ कि उनको कैसे और कब आप लगा सकते हैं उनके बीजों को, ताकि अभी तैयारी करेंगे तो फुल सर्दी के सीज़न के अंदर से पहले पहले आपको तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ मिल सकेंगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़े की सब्ज़ियाँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तो हम सायों की छत के ऊपर खड़ा हुआ, तो दूर से रिव्यू इस वजह से दिखा रहा था कि अपना टेरेस गार्डन आपको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये टोकरियों की लाइनें पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये टप हैं, टोकरियाँ हैं, इस तरह वहाँ पर ग्रोइंग बैग पड़े हुए हैं, ये ग्रोइंग बैग है, तीन ग्रोइंग बैग हैं, बाकी फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं, ये प्लास्टिक की बाल्टियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं सारी की सारी। ये देखें, कुछ पौधे अभी लगे हुए हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लगे हुए, लगे हुए हैं। ये देखें, ये बैंगन के पौधा कैसे फ्लावरिंग से भरा हुआ है, ये देखें। तो इसी तरह ये हमारी तोरी के पौधे फ्लावरिंग से भरे हुए हैं, तो चले इनको छोड़ते हैं। ये यहाँ पे ये सेक्शन आ गया, फिर 12 इंच के पॉड का सेक्शन आ गया, फिर टोकरियों का सेक्शन आ गया, जो ये पूरा जंगल बना हुआ है। फिर वहाँ पे बड़े बड़े टैंकियों को मैंने काट के रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने हैंडमेड लकड़ी की क्यारी बनाई है, यहाँ पे भी लकड़ी की हैंडमेड क्यारी बनी हुई है, ये जिसके अंदर घास बना हुआ है, इसके अंदर मैंने अपनी खाद को डीकम्पोस्ट किया हुआ है, जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं। तो बाकी ये जो कंटेनर हैं, इनके अंदर मैंने बारिश का पानी स्टोर किया हुआ है। उन दोस्तों को बता रहा हूँ जो पहली दफ़ा चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो सर्दियों की सब्ज़ियाँ कब लगाना शुरू करते हैं, पूरा सितंबर पड़ा हुआ है आपके पास विंटर सीज़न की सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। इसके अंदर कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लग सकती हैं, तो इसके अंदर आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, गिनते जाइए, लिखते जाइए, जिसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, और इसी तरह ये मिर्चों के पौधे हैं, हाइब्रिड बीज आपने लगाने हैं मिर्चों के, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, देसी आपने बीज नहीं लगाना। इसी तरह चपनी टिंडा हो गया, और इसी तरह हाइब्रिड एक कद्दू आता है, वो भी इसी सीज़न के अंदर आप लगा सकते हैं, और बैंगन को लगा सकते हैं। बैंगन सबसे जल्दी आपने बैंगन को लगाना है, ताकि विंटर शुरू होने से पहले पहले आपको बैंगन खाने को मिल सकें, अच्छे खासे बैंगन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह तब आपके बैंगन हार्वेस्ट होंगे जब मार्केट के अंदर से बैंगन आना कम हो जाते हैं। ठंडे मौसम में गर्म बैंगन खाने का मज़ा ही अपना है। तो इसी तरह हम बात करते हैं मटरों की, मटर लगा सकते हैं, गाजरें लगा सकते हैं, मूलियाँ लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, शकरकंदी लगा सकते हैं, ये सब्ज़ियाँ होगी हमारी। इसके अलावा सलाद पत्ता की जितनी भी किस्में हैं, ये सारी की सारी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं जो पक चोए वगैरह, ये भी सलाद पत्ता के ही अंदर आता है। तो सलाद पत्ता की जितनी भी वैरायटी है, ये तमाम तमाम आप लगा सकते हैं। मूलियाँ लगा सकते हैं, मूलियाँ उनका सीज़न शुरू हो चुका है, लाल मूली का, सफ़ेद मूली का, पिंक मूली का, हर किस्म के मूली के बीज मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये कंसर्न होगा कि बीज कहाँ से लें, तो बीज का रेट मैं बता देता हूँ, 100 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है। आप चाहे HNS वालों से ले लें, चाहे रोशन सीड्स वालों से ले लें। रोशन सीड्स वालों से लेंगे तो कुछ बीजों के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट वो देंगे, तो 100 रुपीज़ का एक पैकेट देते हैं। तो एक दोस्त कह रहा था, यार ये बहुत कॉस्टली है, मैं हैरान था कि यार 100 रुपये में कौन सा कॉस्टली बीज होता है, वो भी हाइब्रिड बीज। तो देसी बीज वो उसका पैकेट रोशन सीड वाले 20 या 30 रुपये का दे 30 रुपये का देते हैं, तो वो बहुत सस्ते हैं। 30 रुपये का यार कोई इस दौर में 30 रुपये का क्या मिलता है। तो आपको देसी सीड्स मिल जाएंगे रोशन सीड्स वालों से। अगर हाइब्रिड सारे के सारे लेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का एक पैकेट मिलेगा, जिसमें से अगर आप तनवीर भाई का रेफरेंस देंगे मेरे चैनल का, या मेरा नाम लेंगे रोशन सीड्स वालों को, तो वो आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे कुछ बीजों के ऊपर, तमाम के तमाम बीजों के ऊपर नहीं देंगे, तो कुछ बीजों के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे 100 रुपीज़ का पैकेट है। इसी तरह HNS वालों का भी मैंने वीडियो अपलोड की है। इसके बाद बात करेंगे कि खादों की, जिन दोस्तों को नहीं पता, तो मैंने खादों की वीडियो अपलोड की है, लेकिन इसी के अंदर शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आप बोर ना हो। तो उसके अंदर आप वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं, गाय का गोबर पुराना मिले तो वो लेना है आपने। इसके अलावा मुर्गियों की बीठें विद राइस का छिलका, तो ये मिलते हैं गांव साइड से, या मुर्गी खानों
से, तो वहाँ से ये जो बर्न वाला अगर ले आएंगे ना, तो यकीन करें आपके सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। इतनी कमाल की वो चीज़ होती है, उसके अंदर से हल्की फुल्की स्मेल आती है, लेकिन बर्न वाला लेंगे वो खुद ही बर्न होता है, उसको कोई बर्न करता नहीं है, उसे कोई जलाता नहीं है, वो खुद ही जल जाता है अपनी हीट की वजह से। जब वो जला हुआ लेके आएंगे पौधों को देंगे, तो यकीन करें इतने इतने बड़े जब बैंगन मिर्चें बड़ी बड़ी लगेंगी, आपकी बंद गोभी का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, तब आप हैरान होंगे कि यार ये ऑर्गेनिक खाद कितनी कमाल की चीज़ है। तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा गार्डन मिट्टी आपने लेनी हो तो नर्सरियों से इजीली मिल जाती है। जो आपको लगे कि ये मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है, तो उसके अंदर आपने जितना भी मटेरियल डाला है उसका छठा हिस्सा आपने वो डालना है सैंड का, ताकि वो मिट्टी आपकी हल्की फुल्की नरम हो जाए। रेत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल कम डालनी है। ज़्यादा डालेंगे तो आपकी पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे लेमन का पौधा है, देखें माशाल्लाह से 20 इंच के बाल्टी के अंदर मैंने लगाया था, इसकी कटिंग वटिंग करके इसको कितना बड़ा मैंने कर लिया। यहाँ पे एलोवेरा का जंगल बना हुआ है ये सारा का सारा। बाकी ये जितना भी वेस्ट है, घास मैंने निकाला है इस गार्डन के अंदर से, ये सारा का सारा खाद बन जाएगा। खाद बनाने का तरीका बेहतरीन है, मेरे चैनल पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहले वीडियो नुमाया होती है वो इसी के ऊपर है, कि इन चीज़ों को ऑर्गेनिक खाद के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतना इजी मेथड बताया कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि विंटर सीज़न के अंदर हम कौन सी सब्ज़ियाँ ला सकते हैं और कब हम इनको लगाना शुरू करना है। तो मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।